सिंपली यहाँ पर फोन आपको टैप करना, आप गूगल पे एप्लीकेशन नहीं भी खोलेंगे तब भी आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप गूगल पे यूज़र हैं तो आपको एक अपडेट देखने को मिला होगा, एक न्यू फीचर्स कि आपने कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं। पहले सिर्फ यूपीआई के जरिए से ही पेमेंट होता था, अब आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी ऐड करके पेमेंट कर पाएँ। लेकिन इसमें एक और फीचर्स मिलता है कि आप टैप एंड पे फीचर्स मिलता है कि आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर आप पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स आपके पास फिजिकल कार्ड नहीं, आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप वॉलेट में लेके नहीं चल रहे हैं, सिर्फ आपके पास फ़ोन होगा, गूगल पे में आपको कार्ड ऐड कर लेना है और आप सिर्फ NFC डिवाइसेज जहाँ पर एनेबल होगा या POS डिवाइसेज जहाँ पर अवेलेबल होता है, वहाँ पर पेट्रोल पंप पे हो या फिर आप मर्चेंट शॉप पे जहाँ भी परचेस कर रहे हो, सिर्फ आपको यहाँ पर एक टैप करना होता है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। इस वीडियो में आपको इसी प्रोसेस का लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप टैप एंड पे फीचर्स का यूज़ करेंगे, जिसका हेल्प से आप अपना आराम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको फिजिकल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ़ोन को आप टैप करेंगे और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन खोल लेना, इसका लोगो अब चेंज हो गया, गूगल पे ऐप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टॉप साइड में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। पहले ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, अब सभी के लिए हो गया, अब न्यू अपडेट आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कार्ड ऐड करने का, देख सकते हैं ऐड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड कार्ड का ही ऑप्शन दिया गया, वो ऐड कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर एक्सिस बैंक का और कोटक महिंद्रा बैंक का वीज़ा का वो नेटवर्क का कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी और डेबिट कार्ड भी, तभी आप ऐड कर पाएंगे। और SBI का आपके पास क्रेडिट कार्ड है वीज़ा नेटवर्क का, तो यहाँ पर ये ऐड होगा, और बैंक का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया, धीरे धीरे सभी ऐड होंगे। तो आपके पास एक्सिस का अगर वीज़ा नेटवर्क का डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों में से कोई भी है तो वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक्सिस का क्रेडिट डेबिट कार्ड है जो वीज़ा नेटवर्क का है, उसे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कार्ड नंबर लिखकर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस आपको देख रहे हो, उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कनेक्टिंग टू बैंक हो रहा है, यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, उस कार्ड का OTP आपको मिलेगा वेरिफिकेशन के लिए, उसका OTP यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो OTP आपको मिला है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसे फिलअप कर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। फाइनली यहाँ पर कार्ड जो है आपका ऐड हो गया। ऐड करने के बाद अब जो भी मर्चेंट्स पे आप शॉपिंग करेंगे, इस तरीके का POS डिवाइसेस आपको दिखेगा वहाँ पे, आप पेट्रोल पंप पे शॉपिंग कर रहे हो या फिर आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, जहाँ भी आपको ये POS डिवाइसेस दिखेगा उसमें सिर्फ यहाँ पर आप अमाउंट फिलअप करने को उनको बोलना है, जो भी अमाउंट होगा। जैसे मैं अभी 1 रुपीज़ करता हूँ, इसको मैंने कर लिया, यहाँ पर एंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कार्ड और QR कोड का ऑप्शन है, तो कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ सिंपली मोबाइल, आप गूगल पे एप्लीकेशन नहीं भी खोलेंगे तब भी आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको NFC ऑन कर लेना है, यहाँ पर NFC का ऑप्शन दिख रहा है, इसे ऑन कर लेंगे और यहाँ पर सेटिंग्स में जाके भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा NFC का और यहाँ पर NFC ऑन हो जाएगा और टैप एंड पे जो है आपको गूगल पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए गूगल पे सिलेक्ट कर लेंगे, इस यहाँ पर SBI कार्ड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर गूगल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी से पेमेंट होगा। सिंपली यहाँ पर फ़ोन आपको टैप करना, आप गूगल पे एप्लीकेशन नहीं भी खोलेंगे तब भी आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, देख सकते हैं रिसीविंग सेल रिस्पॉन्स और यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपका कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और फिर से आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, जो अमाउंट होगा यहाँ पर 1 रुपीज़ हम फिर से ट्राई करते हैं, 100 रुपीज़ कर लेते हैं, 100 रुपीज़ करते हैं और यहाँ पर इंटर पे क्लिक करेंगे, कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिर्फ आपका जो सेटिंग्स हो चुका है NFC में, यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं भी खोलेंगे तब भी आपका टैप एंड पे फीचर्स काम करेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल का गूगल पे एप्लीकेशन मैंने नहीं खोला है, सिर्फ यहाँ पर देखिए इसे हम करेंगे और ट्रांजेक्शन यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है, देख सकते हैं। इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन होता है ईजिली वे में। यहाँ पर
कुछ करने की जरूरत नहीं, पिन वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं। तो इसी सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप टैब एंड पे फीचर्स का यूज कर पेमेंट कर पाएंगे। आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपके फिजिकल तौर पर नहीं भी है तो आप सिर्फ फोन टैप कर पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से NFC काम करता है, लेकिन ये सभी डिवाइसेस में वर्क नहीं करेगा। जो आपका NFC इनेबल डिवाइसेस होगा उसी में ये फीचर्स आपको मिलता है। मीन्स आपके फोन में NFC होना चाहिए तभी आप टैब एंड पे फीचर्स का यूज कर पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी ये OnePlus के डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगा, iPhone में होगा, आपका जो है Samsung में मिलता है सभी में, और बहुत सारे फोन्स में जो प्रीमियम फोन्स है उसमें आपको NFC इनेबल दिखता है, सभी फोन में नहीं दिया है। तो आप चेक कर लेंगे आपका फोन NFC इनेबल है या नहीं है, तभी इस टैब ऑन पे फीचर्स का आप यूज कर पाएंगे, देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।